नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ सुनील परदेसी। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और फिर से मेरे विचारों को पेश कर रहा हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, गणेश चतुर्थी पावन अवसर पे आपको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवन में हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, और इसीलिए समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। हमारा मकसद शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध परिवार बनाना है। हमारा मिशन आत्मनिर्भर भारत बनाना और 100% बेरोजगारी का हल निकालना और उद्योग प्रदान करना। मेरा मानना है, जैसे हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी मंदिर में दान देते हैं, अगर उससे भी अगर कोई पवित्र काम होगा तो किसी को रोजगार प्रदान करना। हमारा मकसद है सकारात्मक और सत्कर्म कार्य करना और करवाना। हमारा मकसद है संस्कृति को बढ़ावा देना। संस्कृति को अगर बढ़ावा देते हैं तो संस्कार अच्छे होते हैं, संस्कार अच्छे होते तो अपने आप ही विचार अच्छे होते, विचार अच्छे होते तो अपने आप ही व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है तो अपने आप ही प्रचार अच्छा होता है, और प्रचार अच्छा होता है तो अपने आप ही अपना सपना साकार होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, पूत सपूत तो धन क्यों संचे, पूत कपूत तो धन क्यों संचे। और इसीलिए हम आने वाले बच्चों के लिए, हमारे लिए एक चैलेंज है, मोबाइल और टीवी से दूर कैसे किया जाए। दोस्तों, आज सुन के शायद दुख होगा कि आज के डेट में 10 महीने का बच्चा भी आज अगर दूध पीता है तो मोबाइल देख के दूध पीता है, खाना खाता है तो मोबाइल देख के खाना खाता है। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे लिए चैलेंज है। यही हमारा मिशन है कि बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर कैसे किया जाए। ये एक सामाजिक मुहिम है, हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा जो पूरे देश को बदल सकता है। हमें गांव गांव जाकर शाखा ओपन करनी है, हमें सुख में दुख में एक संगठित रहना है, एक संगठन बनाना है। हमें एक साथ रहकर, चाहे कोई भी परेशानी हो, हमें एक साथ रहकर उसे निपटाना है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही हो धर्म हमारा। हमारा ये एक संकल्प पूरे देश को बदल सकता है, एक अच्छे समाज और देश के लिए बेहतरीन काम करना है, नए नए लोगों से मिलना है और नया एक सामाजिक सर्कल विकसित करना है, एक दूसरों की मदद करना है। चेंज योर लाइफ विथ पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम वर्ल्ड की पहली बोलने वाली भगवद गीता को प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड का पहला टॉकिंग हनुमान चालीसा। और बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करने के लिए हमारे पास वर्ल्ड की पहली टॉकिंग किट है। जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई नहीं गिरेगा, फिर चाहे व्यापार हो, फिर चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो। दोस्तों, किसी के एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना और एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, बल्कि सफल लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है। आपके हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद अपने आप को नहीं बदलोगे। आप चाहे तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर सकते हो इस इंतजार में कि सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्ना सा भी दीपक किसी सूरज से कम नहीं। दोस्तों, नरक में भी जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन उसका कारण स्वर्गीय होना चाहिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको औरों को भी सफल बनाना पड़ेगा। धैर्य सफलता की चाबी, याद रखिए, घड़ा बूंद बूंद से भरता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। तो दोस्तों, आपको भी जीवन में अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो दोस्तों, दृढ़ निश्चय, कड़ा अभ्यास एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है। अगर आप भी हमारे साथ इस मिशन में अगर शामिल होना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।